हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। पेरिस में एक प्रवासी के रूप में रहने वाले पश्चिमी अफ्रीका देश माली के नागरिक ममोदू गसामा को एक बच्चे की जान बचाने की पूरी फ्रांस में तारीफ मिल रही है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्हें फ्रांस की नागरिकता दी जाएगी। दरअसल गसामा ने पेरिस में एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और वो एक मिनट से भी कम समय में 4 मंजिला इमारत पर बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के चले गए और बच्चे की जान बचा ली। इसके बाद से सोशल मीडिया पर गसामा का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और पेरिस में उन्हें एक हीरो की तरह देखा जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रविवार को 22 साल के गसामा को उनके शानदार काम के लिए व्यक्तिगत स्तर पर धन्यवाद देने के लिए एलिसी पैलेस में बुलाया। वहीं पेरिस शहर की मेयर एन हिलोर्डो ने भी गसामा को फोन करके उनकी तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने गसामा को स्पाइडरमैन तक की उपाधि दे दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।